भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों को नमस्कार। और आज शिवरात्रि है, इसलिए इस पावन अवसर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपकी सफलता की कामना के लिए आज मैंने भी प्रभु से प्रार्थना किया है। जिस बात के लिए मैं आज पुनः आपके सामने आया हूँ, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं, कई लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं, और सबसे अच्छा है कि मैं आपको चैनल पर फ़ोन नंबर अगर देता हूँ तो मिसयूज होने के चांसेस रहते हैं। ठगों के रोज़ फ़ोन आते हैं, कोई पेटीएम से आता है, कोई गूगल पे कर के आता है और ठगने का प्रयास करता है, नहीं ठग पाता है तो गाली दे करके जाता है। तो आज मैं आपको सीधे ऑन स्क्रीन ले चलूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल का विवरण दिखाऊँगा। आपकी अगर इच्छा है तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है चैनल की जगह पर, और वहां आकर के आप हमसे सीधे संवाद कर सकते हैं। ये देखिए एक है बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन लिखा हुआ, एक छोटे बच्चे की तस्वीर आपको दिखाई देगी, ये सुंदर प्यारे बच्चे की तस्वीर दिखाई देगी। आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन नाम से ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको रोज एक ट्रांसलेशन का पैसेज दिया जाता है, एवरेज डेली सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर चर्चा होती है और रोज के शब्दों पर चर्चा होती है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा चैनल है अनुवाद अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी। जब आप इस चैनल पर आते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा आपको, और इससे जुड़ने की सारी जानकारी आपको है लिखा हुआ है। इस मंच पर सिर्फ अनुवाद अधिकारी या ट्रांसलेशन ऑफिसर से संबंधित परीक्षा का विवरण ही पूछे, ये लिंक है SSC_translators। जो भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग इस मंच पर आ जाइए। इस मंच पर आकर के आप अच्छी तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, कहीं पूछना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे फ़ोन नंबर देने का मतलब है कि हैकर्स आपके पीछे पड़े रहते हैं और रोज ही कोई ना कोई फ़ोन करता रहता है, या तो लोन देने के लिए या किसी और उद्देश्य से। तो आइए आप यहाँ जुड़िए और फिर आपसे और हमारी वार्तालाप चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आने वाली परीक्षाओं में आप पुनः सफल हों। आज की शिवरात्रि आपके जीवन में अच्छी खुशियाँ लेकर के आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद।